नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट, प्रॉपर्टी मॉल। और गेट आप देख ही रहे हैं। और जो सवाल होता है जी, गेटेड सोसाइटी है जी? बिल्कुल है जी, गेट के अंदर आइए, चल के दिखाते हैं। दूसरी ये बड़ी समस्या है पार्किंग की, तो जगह बीच में देख लीजिए। बाहर गाड़ी निखड़नी है, अंदर गाड़ी खड़ी होगी और छत के नीचे गाड़ी खड़ी होगी, तो ये भी देख लीजिए। चाहे बाइक है, चाहे आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी छत के नीचे सेफ रहेगी। और क्या चाहिए होता है कि घर के आसपास जी मार्केट है, स्कूल है, कॉलेज है, ये चीज चाहिए होती है? बिल्कुल है जी। अभी आप देखें क्या क्या घर के पास पास। तो अभी आपने देख लिया कि घर के आसपास क्या क्या है। अब ये सब कुछ जो आपने देखा, ये सब घर के आसपास है। अब घर अंदर से कैसा है, आइए वो भी दिखा देते हैं। तो आइए घर के अंदर भी आपको दिखा देते हैं। गेट से अंदर आए और बिल्कुल सामने आपको एक सोफा मिलेगा, और ऊपर देखिए बहुत शानदार सा झूमर है, और जगह ये बहुत अच्छी है, और प्लस यहाँ पे मॉडर्न किचन है सारी की सारी। ये आपको यहाँ पे ट्रे और ये सब कुछ अंदर स्टोरेज के लिए जो चाहिए होता है सब कुछ यहाँ पे लगा के मिल रहा है। ऊपर यहाँ पे भी डाउन सीलिंग है, यहाँ पे विंडो भी है, यहाँ पे सिंक भी है, और जो ये वाला एरिया है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक बच्चा आराम से सो जाएगा। तो आप सोचे बच्चे का क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों का ही है, जो घर है ये बच्चों के लिए ही है। कौन से बच्चे? जो अब जवान हो चुके हैं, जो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए है, क्योंकि इसके सामने ही यूनिवर्सिटी का कैंपस है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। और उस जो बच्चों वाला, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं जब हमारे, तो उनके लिए पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई 4-5 साल हमारे बच्चे ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो क्यों ना उसको कुछ ऐसा एक फ्लैट लेके दे दें कि जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होगी तब तक उसकी जितना किराया था उतनी हम किस्त देंगे, और वो फ्री में रहता रहेगा, और 4-5 साल तक जो प्रॉपर्टी है वो भी बन जाएगी, और जब उसको आगे फ्यूचर में कहीं यहीं जॉब मिल जाएगी। बहुत से बाहर से जो लोग पढ़ने आते हैं चंडीगढ़ के आसपास, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, तो पढ़ने के बाद बच्चे वापस नहीं जाते हैं, वो यहीं रह जाते हैं चंडीगढ़ के आसपास ही कुछ जॉब करते हैं, तो फिर उनको चाहिए होगा, तो ये फिर उनके काम आ जाएगा। तो ये वो वाला घर है जो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए लें, ताकि उनकी पढ़ाई के दौरान भी वो यहाँ रह सकें, उसके दोस्त रह सकें, उनकी सहेलियां, बच्चों की लड़कियां भी हो सकती हैं, तो वो ही रह सके। उनके लिए ये शानदार, बहुत स्पेशियस, बहुत खुला बेडरूम तैयार है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बच्चे सोते हैं। तो इस तरफ वॉशरूम देखिए, बढ़िया खुला स्पेशियस वॉशरूम भी है। अब बच्चों ने, क्योंकि आजकल रहते हैं यहाँ पे, तो बार बार कपड़े धोने के लिए अपने घर तो नहीं लेके जाएंगे,
तो यहाँ वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक देके देंगे पेरेंट्स, यहाँ से चलेगी और वो अपने कपड़े यहीं धो के यहीं सुखा लेंगे। अब तैयार भी होना होगा बच्चों को, इस तरफ देखिए, तैयार होने के लिए ड्रेसिंग भी है और साथ में कबर्ड्स भी हैं जहां बच्चों को अपना सामान रखना होगा। ये एलईडी आजकल चलती है कि भाई बच्चों ने एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा बहुत देखना भी होगा, अभी मैच चलते हैं तो देखने हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे एलईडी पैनल भी दे दिया गया है। अब बच्चों ने पढ़ना भी होता है तो इस वाले एरिए को पूजा जो करने वाले धार्मिक बच्चे हैं, और बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, उनके लिए पूजा वाला यहाँ पे मंदिर भी लग सकता है। और नीचे यहाँ पे विद्या मंदिर होती है, स्कूल कॉलेज मंदिर होते हैं, तो यहाँ पे वो वाला स्टडी टेबल वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल चेयर लग सकेगी, और इस तरफ किचन है, किचन में यहाँ माइक्रोवेव रखेंगे क्योंकि बच्चों ने खाना गर्म करके खाना होता है, बहुत ऑर्डर करते हैं बाहर से, तो यहाँ वो गर्म हो सकता है। खुद बनाना हो तो यहाँ खुद बना सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका है। तो ये वाला वन बेडरूम हॉल किचन, जिसमें आपके बच्चे की जो गाड़ी है नीचे पार्क होगी, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे वो फोर व्हीलर है, तो नीचे पार्क होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, आपके बच्चे के साथ उसके दोस्त, उसकी सहेलियां आजकल शेयरिंग करते हैं कि हम मिलके एक बढ़िया सा फ्लैट देते हैं, उसमें रेंट शेयर करते हैं। तो यहाँ दो बच्चे अंदर, एक बच्चा बाहर, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, यहाँ स्टे कर सकता है। जो बच्चे डिग्री पूरी करके अपनी जॉब पे आ गए हैं, प्राइवेट जॉब शुरू की है, थोड़ी सैलरी है, अब बड़ा घर तो दे नहीं सकते, और रहना भी अकेले होता है या अपने दोस्तों के साथ होना है, उनके लिए भी ये 1 BHK बहुत अच्छा है। अब तीसरा, जो लोग इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं कि चलो यार कोई प्रॉपर्टी बना लें, उसका रेंट अच्छा आता रहेगा, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर रेंट पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो कितना रेंट देते हैं, 12 से 15 हज़ार रुपये इसका रेंट आराम से बच्चे फर्निशिंग के हिसाब से भरते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए ये पॉइंट भी बन गया, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए भी बढ़िया है, जिसका बच्चा अभी जॉब पे लगा है, चंडीगढ़ के पास कोई जॉब लगी है और फ्यूचर में उसने अपना बड़ा घर लेना है लेकिन आज शुरुआत करनी है छोटे घर से, तो ये बहुत अच्छा। तीसरा इन्वेस्टर, तो तीन तरह की कैटेगरी के लिए ये वाला जो फ्लैट है 1 BHK है, जिसमें कवर्ड पार्किंग है। नॉर्मली 1 BHK में दिक्कत ये आती है कि भाई वो छोटा सा फ्रंट होता है और 3 ऊपर नीचे बन जाते हैं। अब 12 से 16 फुट फ्रंट वाले 1 BHK के सामने 3 गाड़ियां तो खड़ी हो ही नहीं सकती, तो वहां पार्किंग की बहुत समस्या रहती है। यहां पे कोई समस्या नहीं है क्योंकि कवर्ड पार्किंग सबको मिलेगी। अब पावर बैकअप, जब लाइट चली जाती है तो घर के अंदर हम इन्वर्टर लगा लेते हैं, लेकिन गली का पावर बैकअप कौन सा होता है? तो यहां आपकी जो अंदर वाली स्ट्रीट है, जो छोटी सी कॉलोनी के अंदर वाला एरिया है, जहां पे आपकी कार खड़ी होनी है, जहां पे आपकी मोटरसाइकिल खड़ा होना है, अंधेरे में उसका भी पावर बैकअप आपको मिलेगा। यानी कि जो बीच वाली कॉलोनी का जो कॉमन एरियाज रहेंगे, वहां पे भी लाइट जाने के बाद भी लाइट जलती रहेगी, अच्छी चीज है। बहुत सी कॉलोनियों में ये नहीं मिलता है लेकिन यहां ये मिल रहा है। गेटेड है, आपने देख लिया शुरू से, घर के आसपास मैकडोनल्ड है, KFC है, सबवे है, बहुत सारे गारमेंट शोरूम है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सब कुछ है इसके घर आसपास, सिनेमा हॉल भी आ रहा है, और भी बहुत बड़े बाजार इसके आसपास बन जाएंगे आने वाले 6-7 महीने के अंदर। अब इस सारे इलाके में जो 1 BHK है वो नाम मात्र एक आधा कोई बचा होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर फिलहाल सिर्फ 6 यूनिट बचे हुए हैं, बाकी सब ये सोल्ड हो चुका है। अब ये 6 यूनिट कितने दिन बचे हुए हैं ये तो भगवान जानता है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उम्मीद है आप कॉल करेंगे, आएंगे भी। प्राइस यहाँ पे 26.90, 27.90, 28.90 है, और क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा जब आप आओगे तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि जो दिख रहा है इसमें से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या प्लस माइनस होगा। तो अब अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप आपका बच्चा पढ़ने आना है, हो सकता है अभी वो 8th में हो 9th में हो, आप एडवांस में लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है जॉब पे लगा हो, तो तीनों कैटेगरी के लिए ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। और इस प्राइस में अब यहाँ आसपास
1 BHK नहीं है, यहाँ आसपास जो 2 BHK भी हैं वो भी 40+ है, तो रेंज फिर बहुत बढ़ जाती है। इस रेंज के अंदर फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर होते हैं, जो एक रेंटल प्रॉपर्टी की इच्छा रखते हैं, तो ये दुकान से बढ़िया है। अगर हम आज एक दुकान लेंगे तो 40 लाख के आसपास दुकान आएगी 10x30 की, उसका 8 से 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम किराया आएगा, लेकिन ये उससे बढ़िया है किराए के रूप में। और रेंटल इनकम के साथ साथ एप्रिसिएशन भी होती है, क्योंकि आज से 2 साल पहले यहाँ पे जो प्राइस था वो 15 लाख के आसपास था, अब 26 लाख हो चुका है, यानी कि 2 साल में 10 लाख रुपया रेट भी बढ़ा है फ्लैट का। तो ये नहीं है कि रेट नहीं बढ़ता, तो यहाँ रेट भी बढ़ने वाला है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। 6 यूनिट है, ध्यान रखें, कॉल जल्दी करके आ सकते हैं। अगर आप कोई डिटेल मंगाना चाहें तो नंबर पे कॉल कर लें, आपको सारी डिटेल शेयर भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।